हिमाचल में सेब के कार्टन पर जीएसटी की दर जो कभी 6% थी वो आज बढ़कर 18% कर दी गई है। 5 साल पूर्ण बहुमत की भाजपा सरकार डबल इंजन का दम, फिर भी भाजपा ने हिमाचल के बागवानों से किया इतना बड़ा धोखा। इस निकम्मी सरकार और बेलगाम डबल इंजन ने कभी किसानों के हित में कुछ सोचा ही नहीं, सोचा तो बस सत्ता, कुर्सी और अपने मंत्रियों के लिए। हिमाचल में आजादी के बाद से कभी भी कार्टन और ट्रे के दाम में इतनी बढ़ोतरी नहीं हुई जितनी आज हो रही है। मोहन फाइबर की क्वालिटी ट्रे के दाम 5 रुपए से बढ़कर 8 रुपए कर दिया गया। सेब किसानों को प्रति पेटी 6 से 7 ट्रे लग जाती है, यानी 48 से 54 रुपए ट्रे के प्रति पेटी और 80 रुपए की पेटी लग रही है। कार्टन ग्रेडिंग, पैकिंग, भाड़ा मिलाकर 20 से 25 किलो की पेटी को मंडी तक पहुंचाने में किसानों की 300 से 400 रुपए तक की लागत आ रही है। इस खुली लूट का क्या कारण है भाजपा वालों? आपकी जीएसटी और महंगाई की कृपा से 100 ट्रे का जो बंडल बीते साल 450 से 550 रुपए मिल रहा था, इस बार 700 से 800 रुपए प्रति बंडल मिल रहा है। आखिर क्यों? 250 रुपए प्रति बंडल की ये लूट आखिर क्यों है? मोदी जी किसानों की आय को दोगुनी करने की बात करते हैं, लेकिन हिमाचल में बागवानों के खर्चे जरूर दोगुने हो गए हैं। 2021 के अप्रैल में बेमौसमी बर्फबारी, आंधी तूफान से सेब और स्टोन फ्रूट बागवानों का 1000 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हुआ, मगर उन्हें आज तक कोई मुआवजा नहीं। आखिर क्यों? सेब का समर्थन मूल्य आज भी मात्र 9.25 रुपए है, जो नाकाफी है, पर उसका भी भुगतान एपीएमसी ने 1 साल से नहीं किया। इतना बड़ा धोखा क्यों? जवाब दो भाजपा सरकार, जवाब दो। जब केंद्र सरकार 2020 से कश्मीर में नेफेड के माध्यम से सेब मिस के तहत खरीद रही है, तो हिमाचल के शांति प्रिय किसानों से ऐसा भेदभाव क्यों? 2014 में मोदी जी ने सेब पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाने का वादा किया था, मगर भाजपा के इस डबल इंजन ने उल्टा इंपोर्ट ड्यूटी घटा दी। भाजपा की बागवान विरोधी सरकार ने गैर कानूनी आयात पर रोक लगाने के बजाय उसे इतना बढ़ा दिया कि आज तुर्की से आने वाले सेबों की कालाबाजारी बढ़ती जा रही है। भाजपा की भ्रष्ट और बागवान विरोधी सरकार ने साल 2021 में मिस के तहत 7.77 लाख मैट्रिक टन सेब के उत्पादन में सिर्फ 70,000 मैट्रिक की खरीद की, जो कुल उत्पादन का 10% भी नहीं है। आखिर हिमाचल के बागवानों से इतना बड़ा धोखा क्यों? बागवान सबसे ज्यादा आक्रोशित बागवानी में प्राइवेट खरीदारों के आने से हैं, जैसे कि प्रधानमंत्री के मित्र गौतम अडानी की कंपनी अडानी एग्रीफ्रेश लिमिटेड, जिसने किसानों को पिछले साल की तुलना में इस साल प्रति किलो 16 रुपए कम के भाव से सेब खरीदे। अडानी से आखिर ये रिश्ता क्या कहलाता है भाजपाइयों? अब बहुत हुआ ये छल, अब हिमाचल के बागवानों के साथ न्याय करने के लिए, राज्य के किसानों को खुशहाल बनाने के लिए, हिमाचल में इस बार बड़े बदलाव के लिए एक मौका केजरीवाल को।